है जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही जो जानकारी मिल रही है नेता राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं और मारपीट शुरू कर दी है। राघव चड्ढा को आप कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। पंजाब पुलिस और उनके कमांडो ने बहुत मुश्किल से राघव चड्ढा को वहां से निकाला। ये तस्वीरें आपको आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जलंधर की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मार कुटाई की तस्वीरें सामने आ रही है। चमन पलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, एक बड़ी पार्टी के तौर पर पंजाब में इस चुनाव में देखा जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है उस पर पलीता लगा रही है। चमन जी, देखिए ये कल जब राघव चड्ढा कल जब जलंधर पहुंचे थे तो तब जी कल कब राघव चड्ढा जब कल जलंधर पहुंचे थे तब ये की वहाँ की तस्वीरें हैं। और जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो राघव चड्ढा पर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आए कि जो टिकट बंटवारा हुआ है उसके लिए राघव चड्ढा ने जो है काफ़ी पैसे मोटे जो है इधर उधर जो कैंडिडेटों से लिए, उसी वजह से वहाँ पर जो थे वो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के आपस में भिड़ गए और इतना बड़ा हंगामा हो गया कि राघव चड्ढा को वहाँ पर अपनी जो है बीच बचाव करते हुए जो है चुपचाप हंगामा देख वो अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में जो काफ़ी हैवी हो रही थी, अरविंद केजरीवाल पंजाब में काफ़ी दिनों से जो पहले ही दौरे कर रहे थे और कुप पंजाब की जनता को कुछ लुभाने वादे भी उन्होंने किए थे और महिलाओं खासकर उन्होंने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने का वादा किया था और जो बेअदबी का मामला है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इंसाफ दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब पंजाब में जो आम आदमी के पार्टी के ऊपर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो आपस में जो टिकट बंटवारे को लेकर जो इस तरह से जो फाइट उनकी होती है, तो अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में जो है वो की भी स्थिति जो है उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जी। लेकिन एक बात चमन जरा बताइए, ये वो पार्टी है जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और अगर राघव चड्ढा जो उस मूवमेंट का भी हिस्सा रहे थे जिन्होंने बाद में दिल्ली सरकार में हिस्सेदारी दी, अगर उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो लगता है कि पंजाब की जनता ये मुद्दा ध्यान नहीं रखेगी जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा और वोट पड़ेगा। और जी देखिए कहीं ना कहीं पंजाब की जनता पहले से ही जो है जो आम आदमी पार्टी के जो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कई जगह पर जो है उन्होंने पहले भगवंत मान की अगर हम बात करें तो भगवंत मान की सीएम अनाउंसमेंट से पहले ही कई उनके खिलाफ जो है वो जो विरोध कर चुके हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवंत मान को जो है पंजाब में जो सीएम चेहरा उतारा जाए। तो उसके खिलाफ भी काफ़ी दिन पहले भगवंत मान भी काफ़ी नाराज़ थे पार्टी से, लेकिन हालांकि उसके बाद भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पंजाब में और हर जनसभा में हर भगवंत मान जो थे वो नजर आए। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो पीछे हमारे सूत्र बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भगवंत मान का जो नाम है वो सीएम पद के लिए जो पंजाब में जो वो कुछ ही दिन जो के बाद जो अरविंद केजरीवाल अनाउंस करने थे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कि कौन पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम का कैंडिडेट होगा। हालांकि इसमें अगर हम बात करें जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट बंटवारे को लेकर कई जगह पर जो है पहले से जो है आरोप जो है वो लगा चुके हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन आइए चलिए हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं।